भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के जाने माने ढोल ताशा पथक में ज्योति की बदनामी। ढोल ताशा पथक में झूठे आरोप लगाकर पथक से हटाया गया। ढोल ताशा पथक के वरिष्ठों से मिलने के बाद भी नहीं हुई युवती की सुनवाई। आखिर क्या चल रहा है ढोल ताशा पथक में? आखिर क्यों युवक युवती की जा रही बदनामी? भंडारा शहर में एक जाना माना ढोल ताशा पथक है जिसमें युवक युवतियां साथ मिलकर ढोल ताशा बजाते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा एक युवक और युवती की बदनामी कर उन्हें ढोल ताशा पथक से निकाल दिया गया जो कुछ वर्षों से उसी पथक में काम कर रहे थे। युवक और युवती को इस बात का बुरा लगा कि हमारी बदनामी कर निकाला क्यों गया। हम हमेशा श्रद्धा और भावना से इस पथक से जुड़े थे, लेकिन पथक के कुछ वरिष्ठों ने झूठे आरोप लगाकर और हम दोनों की बदनामी कर इस पथक से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कई बार वरिष्ठों से बात की गई, लेकिन कोई सुलह नहीं निकला और भंडारा के अलग अलग जगह पर हमें बदनाम किया गया, जिस कारण युवती की शादी टूट गई। इस दुख के पहाड़ को लेकर कई दरवाजे टकटकाए, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? मेरी बदनामी क्यों की गई? जब तक इस ढोल ताशा पथक के वरिष्ठों से मुझे न्याय नहीं मिलता, तब तक मैं इनके खिलाफ उचित न्याय की मांग करूंगी, ऐसा युवती ने कहा। एक युवती जो अपनी इज्जत बचाने के लिए ढोल ताशा पथक से क्या गुनाह है यह जानने के लिए और क्यों मुझे पथक से निकाला, मेरी बदनामी क्यों बार बार की गई, यह सारी बातें जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन वरिष्ठों से मुझे ठुकराया गया। आखिरकार अपने न्याय के लिए BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान से मुलाकात कर सारी जानकारी दी, जिसके बाद मुझे हिम्मत और भरोसा देकर न्याय दिलाने की बात कही। मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो पुलिस और कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, ऐसा युवती ने कहा। BS ग्रामीण न्यूज के पार्ट 2 में देखिए कि कौन सा वह ढोल ताशा पथक है जो भंडारा शहर में नामचीन है, कौन वह ढोल ताशा पथक के लोग हैं जिन्होंने युवती की बदनामी की, इसका सारा खुलासा पार्ट 2 में किया जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिले तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके बने, इसलिए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमोरा के मंदिर में शंकर जी के चरण में गए। पदाधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आरती की। राज्य और जिले के विकास के लिए दोनों नेताओं को यह पद मिलना जरूरी होने की बात कही। इस समय जिला परिषद के गुट नेता विनोद बांते, पूर्व उप नगराध्यक्ष आशु गुंडा ने सचिन कुंभलकर, पंचायत समिति उपसभापति प्रशांत खोबरा, रूबी चड्ढा, संदीप मेश्राम, दीपक लांजेवार, मंगेश मेश्राम, सचिन तिरपुड़े तथा महिला आघाड़ी के पदाधिकारी, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, भंडारा पूर्व नगर सेवक व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भंडारा तुमसर एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र में कुल 50 उम्मीदवारों ने चुनावी रण संग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें से भंडारा विधानसभा क्षेत्र के 17 उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हुए। तुमसर में यह आंकड़ा 16 इतना है तो साकोली विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 उम्मीदवारों की अनामत राशि जब्त की जाएगी। तीनों विधानसभाओं में केवल 6 उम्मीदवार अपनी अमानत रकम बचाने में सफल हुए हैं, बाकी करीब 44 उम्मीदवारों के अनामत रकम जब्त होगी। तीनों विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर जो भी उम्मीदवार रहे सभी को 30,000 से कम वोट है। भंडारा जिले में सभी 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसके परिणाम 23 नवम्बर को घोषित हुए। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 262,107 मतदाताओं ने मतदान किया। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 231,708 मतदाताओं ने मतदान किया और साकोली में कुल 235,600 मतदाताओं ने मतदान किया। इन सभी क्षेत्रों में कुल वोटिंग के वोट के 6वें हिस्से जितने वोट पहले 2 उम्मीदवार छोड़कर किसी को भी नहीं मिले। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार विधायक नरेंद्र पुंडेकर महाविकास आघाड़ी की पूजा ठौकर की अनामत रकम बच गई। तुमसर में महायुति के उम्मीदवार रहे विधायक राजू कारेमोरे एवं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चरण बाघमारे की अमानत रकम बच गई। साकोली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले महायुति के उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मण कर ही अपनी अमानत रकम बचा पाए। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में सबकी अमानत रकम जब्त करने के आदेश संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव निर्णय अधिकारियों द्वारा निकाले गए हैं। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे नई सरकार में सीएम पद की रेस से बाहर हो गए हैं। 23 नवंबर को घोषित विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की अगुवाई में बनी महायुति को भारी बहुमत मिलने के बाद नई सरकार में सीएम पद को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। 132 विधानसभा सीटें जीतने के बाद बीजेपी के विधायकों ने सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी ठोक दी थी, जबकि शिंदे गुट के विधायकों का कहना था कि बिहार पैटर्न की तर्ज पर एक बार फिर उनके नेता को सीएम बनाया जाना चाहिए। इस वजह से महायुति में कलह शुरू हो गई थी। शिंदे ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर विधायकों के साथ साथ मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन बुधवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में शिंदे ने ठाणे स्थित निवास पर आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ तौर से कहा कि बीजेपी के आलाकमान जो भी फैसला लेंगे वह उन्हें मान्य होगा। उनके इस बयान से फडणवीस के सीएम पद पर ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इस घोषणा के दौरान शिंदे की आवाज भराई हुई थी। जानकारों का कहना है कि बीजेपी को 132 सीटें मिलने के बाद शिंदे के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार पहले ही फडणवीस का समर्थन कर चुके हैं, ऐसे में अब मजबूर होकर शिंदे को बीजेपी की बात माननी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मामले की जांच जारी है। मोदी को 6 साल में 3 धमकियां मिली है। 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। वीडियो में युवक ने खुद को हरियाणा का बदमाश और गांव मोहाना सोनीपत का रहने वाला बताया था। 2022 में पीएम मोदी को जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। जेवियर ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भेजे खत में जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा था, मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा होगा। उस वक्त पीएम केरल दौरे पर जा रहे थे। बाद में पुलिस ने धमकी देने वाले को अरेस्ट कर लिया था। 2018 में महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के शख्स ने फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सदस्य बताते हुए देश के 5 प्रमुख शहरों में विस्फोट करने की बात कही थी। देश भर में जल्द ही 100% बायो एथेनॉल पर वाहन चलेगी। देश की वाहन उत्पादक कंपनियों की तरफ से अगले 6 महीने में 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाली कार मार्केट में उतारी जाएगी। इसके साथ ही बायो एथेनॉल पर चलने वाली बाइक भी जल्द बाजार में आएगी। यह जानकारी केंद्रीय परिवहन व हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। प्राज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चौधरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गडकरी ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं इथेनॉल पर चलने वाली
टोयोटा की इनोवा कार इस्तेमाल करता हूँ। अगले 6 महीने में हुंडई, महिंद्रा, टाटा सुजुकी, इन 4 कंपनियां 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाली कार मार्केट में उतारेंगे। इसके साथ ही बजाज, टीवीएस, होंडा, हीरो जैसी कंपनियां 100% इथेनॉल पर चलने वाले स्कूटर आगामी समय में बाजार में लाएंगे। टुडे इन इंडियन सिनेरियो वी आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स, वीट सरप्लस, राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, एंड इवन देयर आर प्राइसेस व्हिच आर इवन लोअर डाउन एज कंपेयर विद द एमएसपी। So the price of the fertilizers and insecticides day by day is going to increase, and that is to be one of the economic challenge for the country, that how we are going to resolve the problems in the agriculture. So the most important thing, the decision taken by our government, is the diversification of agriculture towards energy and power sector, and that is the reason that today we are already in the process of making ethanol economy. I have just coming here in this hotel with using the first world first Toyota Innova car on 100% bioethanol flex fuel, and that there is no pollution from that green fuel, and as far as the average with the petrol is, its comparison is there, their petrol rate is coming 25 rupees per liter. So this is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. So today we are in the process of making ethanol from sugarcane juice. We can make ethanol from C molasses, B molasses. Even we can make ethanol from corn and food grains, rice. And even in Panipat, the Indian Oil has started the project. That is one of my dream project, is making ethanol from parali, rice straw. The project is making of 1 lakh liter of ethanol per day, 150 ton of bio bitumen per day, and 88,000 ton of bio aviation fuel, sustainable aviation fuel per year. So today this is waste to wealth. इस साल अभी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी दिसंबर और जनवरी का महीना आना बाकी है। मौसम की ये स्थिति बनी रही तो 2021 में दर्ज सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। अभी जिले का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पिछले कुछ दिनों से स्थिर बना हुआ है। इसमें अभी गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। वैसे भी ठंड का मौसम इस बार देरी से प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी यह मौसम काफी दिनों तक चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 माह में ठंड का जोरदार असर रहेगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में हिमालयन क्षेत्र में जोरदार बर्फ पड़ सकती है। उत्तर भारत से बर्फ पड़ने के कुछ दिनों के बाद इसका असर महाराष्ट्र में दिखाई देता है। उस समय ठंड का जोर और भी बढ़ेगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। धान के बोरे लेकर जा रहे ट्रैक्टर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। यह घटना तुमसा भंडारा हाईवे पर माणिकचंद धर्मकांटा के पास घटी। बिना परमिट रेत का परिवहन करने वाले 3 टिप्परों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों टिप्पर जब्त कर कुल 19 ब्रास रेत समेत 70,81,000 रुपए का माल जब्त किया। खेत में रखी ट्रैक्टर की बैटरी और अन्य सामग्री चोरी होने की घटना खमाटा खेत परिसर में घटी। राजू सदाशिव बोरकर खेत में रखे ट्रैक्टर से अज्ञात चोर ने बैटरी, डीजल और टूल किट चुरा लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इससे पानी का पाइप लेने को लेकर 2 लोगों के बीच हुआ विवाद और दोनों ने एक दूसरे की मारपीट कर दी। रत्नसागर महादेव वैरागड़े ने खेत से पानी का पाइप लेकर गया तो कोकरला निवासी टाटा राम गोपी चंद वैरागड़े ने उससे विवाद किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लिफ्ट मेंटेनेंस सामग्री भेजने का झांसा देकर 67,000 रुपए की ठगी करने का मामला कोथुर्णा में सामने आया। फिरियादी का नाम अभिलाष गौतम नागदेवे, उम्र 30 वर्ष है। वर्ठी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण थाने के तहत अदासी निवासी नरेंद्र जियालाल सेउतकर, उम्र 36 वर्ष की, सार्वजनिक कुएं के पानी में डूबकर मौत हो गई। नरेंद्र को शराब पीने की आदत थी। फिरियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
सालेकसा थाने के तहत ग्राम निम्बा से जामड़ी मार्ग पर खोलगढ़ निवासी आत्माराम गिरधारी दहंगडाले उम्र 47 वर्ष को 7 मवेशियों के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मवेशी और वाहन सहित 3,92,000 रुपए का माल जब्त किया। सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।